यहाँ पर भाई लोग जो है उनके दोस्त के लिए ले जाते हैं। यहाँ पर पापा के दोस्त लोग बहुत सारे लोग आ रखे हैं बैठने के लिए। ये देखो, वेरी गुड, वेल डन लगे रहो। तो ये लोग गेहूँ ले जाते रहे। भाई तू भी आ रहा है हमारे साथ है? चल चल देगा और क्या। ये लो, आज हमारी इस ट्रिप में मेरा ताशु बाबू भी आ रहा है। ताशु बाबू भाई बोलते फिर सुबह से है शायद तब ना। बाबू मेरे को भी दे दे, मीरा उसको ही देने दे। बाबू दे दो ना, प्लीज प्लीज दे दो। मीरा बाबू इतना अच्छा बच्चा है, सबको दे देता है। थैंक यू। हैप्पी के हैं, हैप्पी के मजा आया। बैक पेन होती है बल इनके, फिर भी ये लेके आ गए। वेरी गुड। तो सामने से ये दोनों भी आते हुए। हल्का है, कितना केजी होगा? अच्छा चलो सही है। तो ये मीरा बाबू भी आला है, मीरा छोना काका भी आला है। ये मीरा अच्छा बाबू है। हाँ हाँ चाबी दे दो कह रहा आप तो। क्यों वो नहीं आ रहे तेरे हीरो? फोन कर दिया। आहा तुमने देखा वो एक भी बात करते हैं। स्कूल है तो फाइनली माँ के फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं। और इन ताचू बाबू भी जा रहा है, देखो तो कैसे जाने के लिए तैयार है। धुमा धुम लगा पड़ा है। मीरा तुझे कैसा लग रहा है? ये हमारे वहाँ पर भी आ रखे हैं और बाबू के किसमें नामकरण से कुछ दिन पहले ही आ रखे थे। वो मेरे से भी मिली हुई है। हाँ मैं मिली हुई हूँ तभी तो। बाय बाय बाबू। तो इसको मसार भी रहा है, ये प्यार भी कर रहा है इसको। बाबू खींच मत, ये पकड़ लिया है, ये वो इसके नीचे जाके पकड़ना चाह रहे। बाप रे ये रियल बकरी की जैसी आवाज निकाल दे रहे भाई। हमारे घर में एक और बकरी की बड़ी वाली। ये ताशु जो है बकरी को बिस्कुट खिला रहा है कि खाने 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 खाने। बकरी को खिला रहा है बाबू। बकरी कहाँ, अभी तो ये 7 दिन की बकरियाँ हैं, ये क्या खाएंगी? हाँ हाँ खिला दो, बकरियों को दे रहा हूँ बस, तभी खिल खोल बोल रहा हूँ। अभी ऊपर से देखना चाह रहे हैं क्या इसके अंदर। बिस्कुट डाल दे। हाँ बिस्कुट डाल दे। बिस्कुट डाल दिया, बस इसको रख दे। बाबू को टीका लगाया जा रहा है।
फाइनली पूरी पलटन हमारी पहुँचते हुए, वो लोग तो पहले ही पहुँच गए थे, हम लोग थोड़ा सा लेट। ये लोग कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका मेरा नहीं आपका हमें ले गए, यही हमारे लिए बहुत है। सनसेट होने वाला है, मैं आपको देख सकते हैं सनसेट होने वाला है, इतनी शाम को पहुँचे और भाई जाने लग गए हैं। तो आज के मॉर्निंग की शुरुआत इससे है गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है हमारे तनु से और हमारी जिद्दा से। हाँ पापा ऊपर जी सर, गोद में पकड़ बाबू चल दूर जा रहे हैं, गाड़ी में नहीं जाएगा। तो ये लोग रेडी शेडी हो गए हैं, ये जा रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद हम भी निकलेंगे, लेकिन पहले ये जा रहे हैं। भी रेडी हो गया है भाई, आई मिस यू सो मच, आपके साथ बहुत अच्छा मेरा ट्रिप रहा और इस बार मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया मेरे बर्थडे स्माइल करते हुए। हाँ तू तो यहीं है, सासू के बर्थडे में आना, ठीक है पक्का आना, डन लग गए हैं। ये हम सब लोगों को भेंटने के लिए आ रहे हैं, ताई लोग, दी लोग और पूजा चाची सब लोग ये बैठे हैं, अब हमारी गाड़ी में भी बैठ गए हैं। ये तन बोल रहा है मैं चलाता हूँ, ये गाने लगाओ पापा, और हम लोग भी बैठे हैं। पापा ध्वजा कहाँ भेज देंगे, बाय 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 बाय, बाय 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 बाय, फोन करना है पहाड़ की वादियाँ याद नहीं, क्योंकि मैं भी कब आती हूँ। मायके नहीं जाते हैं, फिर बाहर दोहराने आना पड़ता है, तो मेरे बैग है, मम्मी लोग अब यहाँ नीचे ही रहेंगे, बैग वैग चेंज करके फिर इधर से निकलेंगे। तो दिखाती हूँ मैं, वही हम पहुँच चुके हैं, वो झोला तुमको करो ना, अरे रुक जा, अरे घर में मम्मी लोग आएंगे बैग लेकर, टेंशन मत लेना।
स्वागतम सुस्वागतम। देखो बाघा पहुंच गए, गेट खुला जा रहा है। आज तो बहुत लंबी यात्रा कर ली है हमने। तो जैसे ही हम घर पहुंचे ये माँ देखो यहाँ पर फलते के पेड़ में चढ़े हुए हैं। देखो ये फलते के पेड़ से फलते तोड़ने में लगे पड़े हैं। ये फलते कितने रुपए किलो हो रहे हैं? ये देखो 200 रुपए किलो हो रहे हैं बोल रहे हैं फलते। यहाँ पर हमारे आंगन में देख रहे होंगे फलते ही फलते हो गए। ये देखो ये बिल्ली भी आ गई है। ये तू क्या कर रहा है यहाँ? तू इनने फलते खा दिए, इसका मुंह देखो ये फलते खा कर। ओ बाप ले, दे मम्मा को दे दे, मम्मा को दे दे। ओ बाप ले, ये थैंक यू। अभी और दे, कहाँ देखने दे, थैंक यू थैंक यू। कहाँ जाना है बता, कहाँ जाना है? मुझे कैमरे में नहीं आना है बोल रहा है। जैसे इसके पापा कर रहे हैं ना कैमरे में आने से भागते हैं, वैसे इसके भी हाल हो गए हैं। बाइक में चलना, चल पापा आएंगे, पापा के साथ जाएंगे तो घूम ही जाते हैं, मारने लग जाएंगे। बाप रे, बाइक में जाने की जीत। चल फिर चल चल, चाबी ले आते हैं, आजा आजा, चाबी ले आते हैं, चाबी ले आते हैं, आजा चाबी ले आते हैं, आजा। रुकना, मम्मा लेकर आ रही है चाबी, लेकर आ रही है। देखो शांत हो गया चाबी लाने के नाम पर। हाँ हाँ ला रही हूँ। बोल रहे हैं बुबू की मशीन भी देनी है, तो ये तो बाइक में जाने की बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, इसकी जिद कौन मानता है। और जैसे कहते हैं ना पहाड़ों की ज़िंदगी आसान नहीं होती है, तो वैसे ही मुझे तो लगता है प्लेन्स की ज़िंदगी भी कोई आसान नहीं होती है। मतलब जिसका काम है, जिसके जानवर वानवर हैं, उसके भी बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे हमारी मम्मी जी 24 घंटे बिजी रहती है, उनको बहुत ज़्यादा काम होता है। फिलहाल हम जा रहे हैं मशीन पहुँचाने। ये मशीन पकड़, चल बुबू की मशीन दे आते पहले, चल नहीं इसको पकड़, इसको पकड़, मम्मा इसको पकड़ेगी तो इसको पकड़। हाँ चल चल आ जा, और मैंने ये मशीन पकड़ रखी है, देख लेंगे। ये खाद डालने वाली मशीन है जो कि मैंने आपको पहले भी दिखा रखी है। तो इससे खेतों में मतलब खाद पानी डाली जाती है, दवाइयाँ वाइयाँ डाली जाती हैं। तो सबसे पहले करूँ और मैं दे आती हूँ इसको, फिर आपको यहाँ की ज़िंदगी दिखाती हूँ। क्योंकि जो बोलते हैं कि प्लांट्स की ज़िंदगी ईजी होती है, उतना कुछ नहीं होता, लेकिन प्लांट्स की ज़िंदगी कोई आसान नहीं होती है, बहुत टफ है प्लांट्स की ज़िंदगी। गर्मी वैसी और काम वैसे तो बहुत आफत है। तो फिलहाल जाते हैं पहले यहाँ भी लोगों के लिए, यहाँ मशीन ले आते हैं आराम से। खड़े रहे, गाड़ी आ रही है। गाड़ी को देखते ही खड़ा हो गया, क्योंकि इसकी आदत ऐसी है जब गाड़ी पास होगी तभी जाएगा। चलो पैसे गाड़ी में थोड़ा बोल रहा है, बाइक की चाबी ला बल उसमें ले जा। किनारे हो जा, किनारे किनारे चल। गाड़ियों को देखकर डरता है। वहां को चलो, आमा के पास। आमा देख क्या कर रही है, कहां से घास काट रही है। चल आ जा, थमा थमा मृदगड़ा नाचली, मृदगड़ा ठुमका लगा ली रे, ये थमा थमा ठुमका लगा। इसे रोड में भी डांस आ रहा है। देखो ये देखिए हमारी मम्मी जी यहाँ पर, देखो ये 2400 घंटे बिजी रहती है। देखो यहाँ पर, देखो इतने तालाब में घास काट रही है, इतना ज़्यादा पानी। देखो मैंने आपको जब हमारे यहाँ बाढ़ आई थी वो दिखा रखा था, तो बाढ़ का पानी आप लोग देख रहे होंगे अभी भी नहीं गया है। जो ये यहाँ पर नहर थी, नहर नहीं क्या था, पुलिया, ये पुलिया के पास देख रहे होंगे अभी भी पानी वो नहीं हो रखा है। और ये पुलिया के पास वाला जो खेत है, यहाँ का मैं आप लोगों को नुकसान दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ से वो वहाँ तक की रोपाई पूरी ख़त्म हो गई है, यहाँ से अब इतनी रोपाई है और यहाँ तक इतनी है, पूरी यहाँ से पूरी ख़त्म है। बेचारों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और हमारी मम्मी जी ऐसे में घास काट रही हैं। तो प्लेन्स की ज़िंदगी भी इतनी टफ है, कोई आसान ज़िंदगी नहीं होती है। मम्मी जी क्या कहना चाहोगे, पहाड़ की ज़िंदगी आसान है या प्लेन्स की? माँ को तो पहाड़ की वो लगती है, मेरे को तो प्लेन्स की लगती है। प्लेन्स की ज़िंदगी अच्छी है, गर्मी ऐसी होती है, पहाड़ में तो
आराम भी करो तो खाने पीने नहीं देते। अरे उसने तो ऐसा कर दिया, अरे वो तो सो गई, अरे वो काम करने, अरे वो तो उतना काम करके ला गई, उतनी भारी घास के तो अकेला था वो, उतनी भारी घास है काले और वो काम करने में छोड़ तो गुंजा पड़ गयो रे वो तो उड़न मो तो पड़ी रुना उड़ना लेना कतो नहीं नुनी हो तुम से बस पड़ रुना बस हर ने लानी तो नुन रात दिन पड़ रुना देखो और किसी से किसी को कोई मतलब नहीं। यहाँ तो मेहनत करके फसल तो होती है, बाहर में तो मेहनत करके भी सुअर आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं पता नहीं, पहाड़ों में बांदर बांदर भालू क्या क्या आ रहे हैं शेर है, यहाँ तो कोई चिंता फिक्र नहीं है। बाढ़ आ रही है उस थोड़ी, अब थोड़ा सा समाज में थोड़ा बरसात में थोड़ा परेशानी है, ज्यादा बारिश होगी तो थोड़ा पानी आ जाएगा, नहीं तो वो चार दिन का है वो भी फिर आनंद पानी का कोई टेंशन नहीं है, इंसान तो इंसान का है। आप गए हो पहाड़? ये तो नहीं रहते थे जान दुआ अच्छा। तो दादा आपको पहाड़ अच्छा लगता है कि प्लाइन से? ठंडी हवा देखो, जहाँ देखो जहाँ तक खेती खेती खेत बने हैं, मकानी मकान बने हैं, वो तो सही है दादा, नीचे ऊपर देखो पहाड़ में ना देखने में तो अच्छा है, आब हवा अच्छी है, ठंडा पानी है, लेकिन इंसान अच्छे नहीं है, इंसान एक दूसरे से चिढ़ते हैं, एक दूसरे की बात हम तो एक दिन गए हमें कहा लिए क्या, तुमको क्या पहरा क्या पता ना, इधर को आते हुए गड्ढे में जा रहे हैं, चल 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 मम्मी जी का घास से ऐसे काट के बना रखी है, ये पहले ही बैबू दादा के घर को दौड़ लगा दिया है। और पहाड़ की जिंदगी तो देखी ही होगी, अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को प्लेन्स की लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है कि पहाड़ की लाइफ अच्छी लगती है, क्योंकि मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहती हूँ। अभी फिलहाल जा रही हूँ बैबू के घर, वो बैबू रोड में ही आ गया है इससे मिलने के लिए, देखो ये बैबू का हाथ पकड़ कर चल दिया, अब इसे बैबू का घर भी पता होगा, हाँ सीधे बैबू के घर ले जाएगा, क्योंकि ऐसे दौड़ रहा था मैंने कहा बैबू दादा के घर जाते हैं, ऐसे लचकते हुए आया ना, गाड़ी वाड़ी इसने सब छोड़ दी, ये रहा बैबू दादा का घर इसके, और चल दिया है यहाँ दादा का हाथ पकड़ के, लेठम इसको मैं दूंगी मम्मा अभी गाली। दादा बुबू क्या करते हैं? ओह बाप रे ऐसा करते हैं, छुट्टी पकड़ के ऐसे खाते हैं, ऐसे खाते हैं बुबू, ओह बाप रे ऐसा करते हैं बुबू, ये देखो बुबू